अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने वॉशिंग मशीन को मुकम्मल ओपन किया था। तो ये देखिए, मैं बाज़ार से एक रूटर लेकर आया हूँ इसका। तो इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल फिटिंग का तरीक़ेकार शेयर किया जाएगा, किस तरह से रूटर को फिट किया जाता है। तो वीडियो को देखते रहें दोस्तों। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये देखें, नया रूटर है, इसको चेंज करने का क्या तरीक़ेकार है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले मैं समद बॉन्ड के साथ मैं लगा रहा हूँ रूटर के साथ। समद बॉन्ड हम अच्छी तरह से यूज़ करेंगे ताकि दोस्तों पानी की कहीं से भी कोई लीकेज ना हो सके और रूटर हमारा अच्छी तरीके से बॉडी के साथ फिट हो जाए। ये देखिए, मैं नीचे बॉडी पे भी लगा रहा हूँ समद बॉन्ड। अभी हम जैन के ऊपर भी लगाएंगे, अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर लेप कर देंगे। इसको लगाने का क्या तरीक़ाकार है दोस्तों, वीडियो को वॉच करते रहिएगा। अब देखिए, मैं ड्रम को उल्टा कर लूँगा। सबसे पहले हम इसकी वाशर रखेंगे, फिर ये इसके ऊपर ये चक नट इसका मैं लगाऊँगा और रेंच की मदद से मैं अब इसको मैं टाइट करूँगा। ये देखें, अब इसके ऊपर मैं ये वाशर लगा रहा हूँ इसकी, और इसके ऊपर ये इसकी पुली लगाऊँगा, बैक पुली बेल्ट वाली। अब इसके ऊपर वाशल और ये इसका ये काबला लगाकर 11 नंबर के टीप आने से मैं इसको टाइट कर दूंगा। अब ये देखिए, मैंने फिर ड्रम को सीधा कर लिया। अब ये इसकी मैं बड़ी वाशल लगा रहा हूँ रोटर के ऊपर, और ये अब इसका मैं फूल लगाने लगा हूँ इसका। ये फूल भी अच्छे तरीके से बैठ गया, रूटर हमारा अच्छा सही काम कर रहा है। अब इसके ऊपर भी ये वाशर और ये इसका काबला लगा दूंगा। तो दोस्तों, रूटर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब देखें, इसकी मुकम्मल फिटिंग की जा रही है। सबसे पहले हम ये वॉशिंग मशीन और स्पिनर वाली साइड का ये ड्रम इंस्टॉल करेंगे बॉडी को फिट करने के लिए। ये देखें, इसकी जो ये जो कट वाली साइड है काबले की सीध में रखेंगे, ड्रम की ये जो कट वाली साइड है, और 10 नंबर के टीप आने से हम इस काबले को टाइट कर लेंगे। और काबले के पीछे एक नट लगा हुआ है, तो 13 नंबर के टीप आने से हम उसको भी टाइट कर लेंगे। तो ये ड्रम हमारा बहुत अच्छे तरीके से टाइट हो चुका है। इसके बाद मैं ये स्पिनर का ये ढक्कन रखूँगा। अब इसके भी मैं पेच वगैरह लगा दूंगा इसके साथ। तो दोस्तों, वीडियो को वॉच करते रहिएगा ताकि आपको मुकम्मल तरीक़ेकार समझ आ सके किस तरह से इसको खोला गया था और किस तरह इसकी फिटिंग की जा रही है।